हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने पूरा ट्रांसफार्मर के बारे में कंप्लीट जानकारी ले ली थी। एक टॉपिक ट्रांसफार्मर में बच गया है, ट्रबल शूटिंग वाला। ट्रबल शूटिंग कैसे की जाती है और हमें कैसे उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है ट्रांसफार्मर की, वो कैसे हमें फाइंड आउट करनी है और उसे कैसे ट्रबल शूट करना है, तो उसकी जो पीडीएफ है मैं इसी वीडियो के लिंक में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा पूरा ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उस पर कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उसका फिल्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आज आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर ऑयल। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफार्मर ऑयल। और अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा ट्रबल शूटिंग वाला, जिसमें मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे किस तरीके से और कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है क्रिएट और उसे हमें कैसे ओवरकम करना चाहिए, तो वो वीडियो प्लीज जाके देख लीजिएगा। और बाकी के जो ट्रांसफार्मर पे ट्रबल शूटिंग हमारी बच गई है, उसकी पीडीएफ मैं इसी वीडियो के लिंक में आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। सो सबसे पहला है हमारा, सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल पहले तो यूज़ क्यों होता है, ट्रांसफार्मर में हमारा ऑयल हमारा यूज़ क्यों होता है। तो उसके दो पर्पज़ हैं, एक आपका कोर की कूलिंग और वाइंडिंग की कूलिंग के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा हमारा मेन पॉइंट है कि इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ करते हैं। तो जो भी हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, यानी करंट को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो ना होने देना, इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑयल की कितनी होनी चाहिए, मिनिमम तो हमारी ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी ही चाहिए 40 kV/mm। ओके, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है आपकी किस किस कारणवश डिस्क्रीज हो सकती है, जैसे आपका मॉइस्चर आ गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, स्लज हो गया, ठीक है, तो उसके कारण क्या है कि ट्रांसफार्मर ऑयल की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो हमारी कम हो सकती है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल है उसे हमें पीरियडिकली टेस्टिंग करनी चाहिए, मेंटेनेंस करना चाहिए, और उसका फिल्टरिंग भी आवश्यक हो जाता है। ओके, तो कुछ टर्म्स हैं इंसुलेटिंग ऑयल के रिगार्डिंग, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग देख लेते हैं। पहला टर्म है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दूसरा है एसिडिटी, तीसरा है स्लज और चौथा है फ्लैश पॉइंट। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, सिंपल है, ऑयल वर्क एज ए इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की तरह हमारा ऑयल वर्क करता है, इसलिए उसको हाई वोल्टेज को विस्टैंड करने की प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब भी आपका ऑयल अगर आपके वाइंडिंग के बीच में है, दो वाइंडिंग के बीच में अगर आपका ऑयल है, तो वो एक एज ए इंसुलेटर वर्क करना चाहिए। इंसुलेटर वर्क करेगा तभी जो हमारा करंट है या फिर फ्लैश है, ठीक है, वो नहीं होगा ट्रांसफार्मर में। ओके, तो इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। सिंपल है कि जैसे इसमें एक प्रॉपर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की एक प्रॉपर व्याख्या है, क्या है, प्रॉपरली ऑफ इंसुलेटिंग ऑयल टू विदस्टैंड सर्टेन वोल्टेज विदाउट ब्रेकडाउन इन स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, और ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कैसे एक्सप्रेस की जाती है, केवी बाय मिलीमीटर में, एक मिनट में। ओके, फॉर वन मिनट। तो ये जो मेथड है वो हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं, ये उसके टेस्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे। हमारा जो ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट होता है, बीडीवी टेस्ट होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम लोग मेजर करते हैं। ओके, तो वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। एसिडिटी दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा टर्म है एसिडिटी। तो एसिडिटी का टर्म मतलब क्या है, टोटल मेजर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड इन ऑयल कॉल्ड टोटल एसिडिटी। इसका मतलब क्या है कि ऑयल जब आपका गर्म होता है, जब भी आपका ऑयल गर्म होता है, तो ऑयल गर्म होने पे क्या होता है कि वो ऑयल आपका एक तरीके से आपका एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, यानी कुछ गर्म होने के बाद वो कुछ एसिड प्रोड्यूस होता है उसके अंदर। तो ये जो एसिड है आपका वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो ये जो टोटल अगर हम इन दोनों को मेजर करते हैं, तो जो ये टोटल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड का मेजरमेंट है वो हमारा टोटल एसिडिटी कहलाता है। तो ये जो एसिड्स होते हैं वो न्यूट्रलाइज किए जाते हैं बाय द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ये न्यूट्रलाइज किए जाते हैं एसिड। तो जो ये और इसमें क्या है, वेट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन मिलीग्राम टू न्यूट्रलाइज द फ्री एसिड इन 1 ग्राम ऑयल कॉल्ड टोटल एसिडिटी। ओके,
नाउ थर्ड पॉइंट है हमारा स्लज। तो ऑयल जो हमारा गर्म होता है जब वो यूज में होता है तब एक केमिकल चेंजेस होते हैं ड्यू टू ऑक्सीजन इन एयर। ओके, ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि एक थिक सब्सटेंस आपका प्रोड्यूस होता है ऑयल के अंदर जो आपका स्लज कहलाता है। नाउ फोर्थ पॉइंट हमारा फ्लैश पॉइंट। तो ऑयल हमारा डीकम्पोज होता है, जब ऑयल हमारा डीकम्पोज होता है तो वो क्या करता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू गैसेस एंड प्रोड्यूस एक्सप्लोसिव मिक्सचर व्हेन इट इज हीटेड बियॉन्ड सम टेम्परेचर। ओके, तो ये जो मिनिमम टेम्परेचर है जहां पे आपका ये पॉइंट ये जो हमारा हीट होने के बाद जो हमारा तो गैस प्रोड्यूस हुआ, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये जो मिनिमम टेम्परेचर का पॉइंट है वो आपका कहलाएगा फ्लैश पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑयल में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑयल। कुछ ट्रांसफॉर्मर ऑयल की कैरेक्टरिस्टिक होती है एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड 335 जो हमारा 1963 में आया। ओके, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है, एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमें ये पता होना चाहिए, अगर हम प्लांट में काम करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है। या फिर आप किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम कर रहे हैं तब भी आपको ये पता होनी चाहिए कि आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए। ओके, तो इधर कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है आपका, वो जिसका इंडियन स्टैंडर्ड की कैरेक्टरिस्टिक का नंबर कौन सा है, 335 जो हमारा 1963 में आया। ओके, तो जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल है जो हमारा फ्रेश, अगर जो फ्रेश या फिर गुड इंसुलेटिंग ऑयल होता है उसका कलर स्टार्टिंग में लाइट येलो होता है। ओके, या फिर अगर डार्क येलो क्या करता है, डार्क येलो आपकी शो करता है इम्प्योरिटीज को। कि अगर आपका जो ऑयल है वो अगर डार्क येलो है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज है। अगर आपके डस्ट पार्टिकल होते हैं ऑयल में और या फिर कार्बन पार्टिकल या फिर स्लज होता है आर डिपोजिटेड ऑन इंसुलेशन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिंग लेयर इज फॉर्म सम पीरियड ऑफ टाइम, तो ये जो है इसकी ये क्या होता है, फ्लैश ओवर की एक पॉसिबिलिटी वहां पे प्रोड्यूस होती है। कि यहाँ पे आपका डस्ट पार्टिकल हो रहा है ऑयल में, स्लज इकट्ठा हो रहा है, तो उसके कारण क्या है आपका करंट को पास होने के लिए पाथ मिल जा रहा है, लो रिलक्टेंस पाथ उसको प्रोवाइड हो जा रहा है, इसीलिए फ्लैश ओवर होने की संभावना यहाँ पे होती है। तो और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ऑयल शुड फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर से आपका फ्री होना चाहिए ताकि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ऑयल की वो बरकरार रहे, वो हाई रहे। क्योंकि क्या होता है मॉइस्चर के कारण क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑयल की रिड्यूस हो जाती है, तो ये भी आपका इंटरनल फ्लैश ओवर की पॉसिबिलिटी बना सकता है। ओके, फिर द विस्कोसिटी। ओके, विस्कोसिटी का मतलब क्या है, बहने की क्षमता। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, बहने की क्षमता। तो विस्कोसिटी जो है ऑयल की शुड बी लो, कम होनी चाहिए ताकि इट कैन फ्लो इजीली। ठीक है, जितनी आपकी विस्कोसिटी कम होगी उतना आपका फ्लो इजी होगा, समझ रहे हो ना, बहने की क्षमता यानी जितना आपका पतला होगा, जैसे पानी है तो उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, लेकिन तेल है, ठीक है, आपका गाढ़ा तेल होता है तो तेल की विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो उसको बहने में टाइम लगता है, लेकिन पानी को बहने में टाइम नहीं लगता, क्यों, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है। ओके, तो जितनी विस्कोसिटी कम होगी उतना वो इजीली फ्लो कर सकेगा ताकि, अच्छा अब ऑयल पे आ जाते हैं, ऑयल की विस्कोसिटी कम होनी चाहिए ताकि क्या हो, आपका इफेक्टिव कूलिंग हो सके। ओके, और जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज एट द लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे इंक्रीज होना चाहिए। ओके, इंक्रीज होता है, समझ गए। नाउ कुछ वैल्यूज है, स्पेसिफिक वैल्यूज है देखिए प्रॉपर्टीज की, तो आपको ये नीचे बताइए। देखिए जैसे स्लज है वो लेस देन आपको 0.1% होना चाहिए, एसिडिटी है वो आपकी लेस देन 0.4 मिलीग्राम KOH पर ग्राम होनी चाहिए। ओके, और फ्लैश पॉइंट है आपका वो शुड बी 140 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर, मतलब फ्लैश पॉइंट आपका ज्यादा होना चाहिए। विस्कोसिटी जो है आपकी वो 27 सेंटीस्टॉक एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इतना होना जरूरी है। पोर पॉइंट है वो आपका -20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। पावर फैक्टर जो है आपका वो आपका 0.001 और उससे कम होना चाहिए। और जो रजिस्टिविटी है वो आपकी कितनी होनी चाहिए, 15 × 10^12 ओम सेंटीमीटर का होनी चाहिए। ओके, तो ये कुछ आपकी कैरेक्टरिस्टिक थी ऑयल की। नाउ और ट्रांसफॉर्मर ऑयल में हमारा तीसरा टॉपिक है ऑयल सैंपलिंग। ऑयल सैंपलिंग करना क्यों जरूरी है, देखिए क्योंकि हमें क्या करना है,
अगर हमें कंपेयर करना है फ्रेश ऑयल को विथ सेचुरेटेड ऑयल विथ वाटर, ताकि क्या हो सके, अगर आपका ऑयल अगर आपका सेचुरेटेड है वाटर के साथ, तो क्या होता है वो बॉटम पे टैंक के बॉटम पे बैठ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इसी एस को क्या करते हैं हम, इसी को टेस्टिंग के लिए हम लोग ले जाते हैं बॉटम पार्ट से, टैंक के बॉटम पार्ट से हम लोग इसको टेस्टिंग पे ले जाते हैं, ठीक है। तो लेने के बाद आप क्या करते हैं, जो आपका ऑयल है उसे आप लोग सेटल होने देते हैं 24 घंटे के लिए, यानी उसे प्रॉपर अलग होने देते हैं, पानी को अलग होने देते हैं और ऑयल को अलग होने देते हैं, सेटल होने देते हैं उसे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद द कंटेनर टू कलेक्ट द ऑयल शुड बी मेड अप ऑफ क्लियर ग्लास एंड शुड बी ग्राउंड ग्लास टॉपर टाइप, और उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, 1 लीटर, ओके। उसको क्या करते हैं हम लोग, जो ऑयल अलग हुआ पानी से, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे एक अलग से कंटेनर में ले लेते हैं, वो कंटेनर की कैपेसिटी हमारी कितनी होती है, 1 लीटर होती है, ओके। नाउ इंटरनल जो सरफेस है कंटेनर की शुड नॉट बी टच बाय द हैंड, अदरवाइज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज रिड्यूस्ड, ओके। तो ऑयल डस्ट जो भी है आपका वो डिपॉजिट होता है सैम्पलिंग वाल्व में, जिसे हम क्लियर करते हैं बिफोर द टेकिंग द सैंपल फ्रॉम द ट्रांसफार्मर टैंक, ओके। लेकिन अगर आपका ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में है, तो पहले नेसेसरी तो तब भी आपका नेसेसरी हो जाता है कि आपको सैंपल लेना है, और इट शुड बी टेकन इन स्विच ऑफ कंडीशन और नो लोड कंडीशन, यानी जब लेना है तब लेना, तब ट्रांसफार्मर ऑयल का सैंपल लेना है जब हमारा नो लोड कंडीशन पे हो या हमारा स्विच ऑफ हो, तभी उसके बाद ही हमें ट्रांसफार्मर ऑयल को सैंपल के लिए लेना है, ओके। लेकिन इफ द सैंपल हैज टू बी टेकन फ्रॉम द ड्रम, अगर हम ड्रम में से सैंपल ले रहे हैं, तो इट शुड बी कैप्ट इन वर्टिकल पोजिशन, यानी जो ड्रम है हमारा वो वर्टिकल पोजिशन में खड़ा रहना चाहिए, ताकि जो हमारी जो भी उसके अंदर हमारी डस्ट हुआ है, ऑयल है, कुछ भी डिपोजिट हुआ है, तो वो क्या है 24 घंटे में जमीन पे बैठ जाए, ताकि हम लोग प्रॉपर ऑयल को हम लोग ले सके, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ट्यूब मेड ऑफ ब्रास और ग्लास ऑफ लेंथ विच कैन रीच द 15 mm अबव द बॉटम ऑफ द ड्रम शुड बी टेकन, ओके। और ये ट्यूब को, द ट्यूब इज इंसर्टेड इन द ड्रम बाय क्लोजिंग द टॉप ऑफ द ट्यूब बाय थंब, यानी उसका जो ट्यूब हमने ली है वो ट्यूब को हम ऊपर से बंद करके, जो बाकी का दूसरा जो हमारा पार्ट है, यानी दूसरा जो हमारा खुला हुआ भाग है, वो हम इंसर्ट करते हैं कहां, ड्रम के टॉप पर से, ओके। ड्रम में हम लोग इंसर्ट करते हैं, और थंब शुड बी टेकन अवे व्हेन द ट्यूब रीचेस नियर द बॉटम, सो द ऑयल गोज थ्रू इन टू द ट्यूब, ठीक है। ये एक तरीके की समझ लीजिए, क्या बोल इस ये वाली जो प्रोसेस है, तो इसे हम लोग केशाकर्षण जो होती है, जैसे आपके दिए में आप लोग तेल डालते हैं, तो आपका टॉप को अगर आप कुछ तेल पहले से नहीं लगाते, फिर भी आपका जो टॉप है वो तेल से लगा हुआ होता है, तो ये एक केशाकर्षण की प्रोसेस है। तो ये भी ऑयल ट्यूब में ऑयल आना भी एक तरीके की केशाकर्षण की एक प्रोसेस है, ओके। तो ये हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग ट्यूब से ऑयल को कलेक्ट करते हैं एक कंटेनर में, ओके। देन उसके बाद हम लोग उसे टेस्टिंग के पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब सैम्पलिंग को ले लिया, अब उसका टेस्ट है, तो कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं जो हमारे इंसुलेटिंग ऑयल पर किए जाते हैं, तो उसका इंडियन स्टैंडर्ड क्या है, 1692 नंबर का, और ये जो आया वो हमारा कब आया, 1978 में आया, ओके। तो इसमें कुछ टेस्ट है, जैसे देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट है आपका, क्रैकल टेस्ट है, एसिडिटी टेस्ट है, स्लज टेस्ट है, फ्लैश पॉइंट टेस्ट है आपका, अदर टेस्ट भी होते हैं उसके ऊपर। तो इस तरीके से कुछ आप स्टैंडर्ड टेस्ट करते हैं इंसुलेटिंग ऑयल को ऑयल पे, ताकि हम उसे प्रॉपरली चेक कर सके और आगे भविष्य में या फिर उसे हम लोग यूज कर सके, या फिर जो हमारा यूज हुआ हुआ ट्रांसफार्मर ऑयल है उसमें क्या क्या कमी है, तो उसे हम लोग दूर कर सके, इसीलिए हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो एसिड और जो स्लज है वो आपका प्रोड्यूस होता है जब आपका आर्क प्रोड्यूस होता है ऑयल में कुछ भी फॉल्ट के कारण, तो
इसीलिए क्या करते हैं, पीरियडिकली ट्रांसफार्मर ऑयल को चेक किया जाता है और उस पर टेस्ट किए जाते हैं, ताकि हम लोग जान सके कि हमारा जो ऑयल है वो अभी फिल्टर करके आगे चलेगा कि हमें पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग उसका सैंपल लेते हैं। जैसे हमने पिछले वाले पॉइंट में हमने देखा ना ऑयल सैंपलिंग में, उस तरीके से हम लोग उसे सैंपल सैंपल के तौर पे हम लोग उसे लेते हैं। तो सैंपल लेते हुए टाइम हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमें माइंड में रखने चाहिए, तो उसमें मेनली 3 पॉइंट है कि जो सैंपल लिया शुड बी कलेक्टेड व्हेन द ऑयल इज हॉट। ठीक है, ऑयल जब हमारा गर्म हो, जब वर्किंग कंडीशन के बाद हम लोग ऑयल को सैंपलिंग के लिए निकालते हैं, तो ऑयल जो है वो गर्म होता है, तो ऑयल गर्म होता है तभी उसे हम लोग सैंपल के लिए लेते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट हमें ध्यान रखने की बात क्या है, द सैंपल शुड बी कलेक्टेड ओनली आफ्टर द क्लीनिंग ऑफ द ड्रेन कॉक। ठीक है, ड्रेन कॉक को हमें पहले क्लीन करना है, देन उसके बाद ही हमें सैंपल के लिए कलेक्शन करना है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा ड्रेन कॉक गंदा हुआ, खराब हुआ, तो ऑयल को सैंपलिंग के लिए लेते वक्त क्या है, डस्ट के पार्टिकल ऑयल में चले जाएंगे, तो क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी इसकी। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, जो कंटेनर, जिस कंटेनर में हम लोग सैंपल ले रहे हैं, वो कंटेनर जो हमने, वो कंटेनर पहले क्लीन करना चाहिए विद द पेट्रोल एंड राइड, देन ओनली द सैंपल हैज टू बी टेकन। ओके, नाउ टेस्ट है जो जो हमने ऊपर स्टैंडर्ड जो टेस्ट हमने देखे कि जैसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, तो प्रोसीजर क्या है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, या फिर आप उसे कह सकते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट, बीडीवी टेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक तरीके की स्टैंडर्ड टेस्ट सेल डिवाइस यूज होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, ये इस तरीके से, ये इसका, हाँ ये इसका साइड वाला व्यू है। ओके, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये उसका ऊपर से व्यू है। ठीक है, यानी आप ऊपर से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, लेकिन आप साइड से देखेंगे तो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। ओके, तो ये जो जो सेल हमने टेस्ट का यूज किया, उससे कुछ इंटरनल डायमेंशन होते हैं, जैसे आपका इंटरनल डायमेंशन है 50 mm बाय 90 mm बाय 100 mm। ओके, और इसमें क्या होता है, दो स्पीयर ब्रास यूज होते हैं। देखिए ये आपके जो ब्रास वाले हैं, ये जो आपके स्पीयर है ना अंदर, ये दोनों स्पीयर यूज होते हैं जो ब्रास के बने हुए होते हैं, और उसका डायमीटर कितना होता है, 3 mm का। जो हमने स्पीयर यूज किया उसका डायमीटर होता है 3 mm का, जो आपके टेस्ट इलेक्ट्रोड के साथ आपके कनेक्टेड होते हैं। तो ये आपके टेस्ट इलेक्ट्रोड है, दिख रहे हैं आपको, ये आपके टेस्ट इलेक्ट्रोड है। ओके, तो जो ये इलेक्ट्रोड है, ओके, उनको नीचे से कितनी ऊंचाई पर, 40 mm, मिनिमम 40 mm तक उसे ऊपर रखना चाहिए, और उसके ऊपर भी ऑयल आपका कितना होना चाहिए, 40 mm तक ऊपर ऑयल आपका होना चाहिए। और जो डिस्टेंस है दो इलेक्ट्रॉन के बीच, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है, ये देखिए आपको ये बीच में गैप दिख रहा है ये वाला, तो ये गैप कितना होना चाहिए, ये गैप कहाँ होना चाहिए, 4 ± 0.02 mm, इतना ही गैप होना चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा पहले टेस्ट सेल होता है उसको हम लोग पहले हम लोग पेट्रोल से क्लीन करते हैं और उसे ड्राई करते हैं, देन जो हमने सैंपल लिया ऑयल का वो उसे हम लोग इसमें डालते हैं। ठीक है, यानी नीचे आपके जो इलेक्ट्रोड है उसके नीचे भी कुछ आपका ऑयल होना चाहिए और ऊपर भी आपको 40 mm तक आपका मिनिमम ऑयल आपका फिल होना चाहिए। ओके, देन उसके बाद क्या करते हैं, ये जो टेस्ट है, टेस्ट सेल है आपका, तो इसमें क्या है, ऑयल को हम पहले सेटल होने देते हैं, डालने के बाद उसे सेटल होना जरूरी है, तो उसको हम लोग सेटल होने के लिए करीब मिनिमम हम लोग 20 मिनट देते हैं कि 20 मिनट में ऑयल हमारा सेटल हो जाता है। ओके, तो सेटल होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, ऊपर का जो ये कवर है, ऊपर हम लोग इसको कवर से ढक देते हैं। ओके, ढकने के बाद इस पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पे हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं स्लोली 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 स्लोली, इसे इंक्रीज करते हैं। और अगर आपका इंसुलेटिंग ऑयल अगर आपका अच्छी क्वालिटी का है, तो 100 kV तक का भी ये वोल्टेज विथस्टैंड करेगा 1 मिनट तक विदाउट प्रोड्यूसिंग द आर्क। ओके, यानी तो जिस वोल्टेज पे आपका आर्क स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड को थोड़ा दूर करते हैं। जब भी आपका आर्क स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग है आर्क की, तब हम उसे थोड़ा सा दूर करते हैं। यहाँ पे हम लोग कितना रखते हैं,
मिनिमम आप लोग 4 mm और प्लस और माइनस आप लोग 0.02 mm तक आप इसे कर सकते हैं। तो जब तक आपका बीच में आर्क प्रोड्यूस नहीं होता है तब तक के जो वोल्टेज विस्टैंड करने की कैपेसिटी है ट्रांसफार्मर ऑयल की, तो इसी वोल्टेज को विस्टैंड करने की स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं इंसुलेटिंग ऑयल की। ओके, तो ये जो टेस्ट है आपको मिनिमम 3 टाइम करना है, 3 टाइम होता है, और आपको मीटिंग में मीटर में आपको रीडिंग लेना है कि कितने केवी तक का आप लोग ने वोल्टेज इसमें ट्रांसफर किया। ओके, जो आपका गुड अगर इंसुलेटिंग ऑयल होता है तो उसकी डायरेक्ट स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 40 kV/mm इन द 1 मिनट, 1 मिनट तक आपका 40 kV अगर आपका वोल्टेज आपका इसमें प्रोड्यूस जा रहा है इलेक्ट्रोड में, तो आपका आर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो ये गुड इंसुलेटिंग ऑयल की प्रॉपर्टी है ये। ओके, तो इस तरीके से हम लोग BDV टेस्ट करते हैं ताकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम लोग मेजर कर सके ट्रांसफार्मर ऑयल की। नाउ सेकंड है हमारा क्रैकल टेस्ट। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है, फॉर दिस टेस्ट सैंपल लिया जाता है ऑयल को, उससे हम लोग क्या करते हैं ड्राई क्लीन कंटेनर में फिल करते हैं और उसे एक्युमुलेट करते हैं 250 ml ऑफ ऑयल। ओके, यानी उसमें से हम लोग 250 ml ऑयल तक हम लोग उसे भरते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, एक रॉड लेते हैं 12.5 mm की, जिसका डायमीटर 12.5 mm हो, तो उसे हम लोग हीट करते हैं सच दैट इट बिकम्स लाइट रेड इन कलर, यानी उसे इतना गर्म करते हैं कि वो एक लाइट रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए वो रॉड, ठीक है, यानी वो गर्म होती है इतनी। और उसके बाद क्या करते हैं, उसे ये रॉड को हम लोग, ये जो हमने ऑयल लिया उसके अंदर उसे बॉटम तक डीप करते हैं यानी डुबो देते हैं। तो हम लोग देखते हैं उसमें कि हमारा कोई स्पार्क तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, जब हमारा रॉड हम अंदर रखते हैं तो हमारा कोई स्पार्क तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है आपका, वो दो अदर दूसरे सैंपल में भी हम लोग इसी तरीके से हम लोग करते हैं ऑफ द सेम ऑयल इन अ डिफरेंट क्वांटिटी। एक 250 ml में किया हमने, एक 500 ml में भी कर सकते हैं, 750 ml में हो सकता है आपका, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग क्वांटिटीज के अंदर हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं ताकि हम लोग ये चेक कर सके कि अगर आपकी रॉड, अगर आपका कुछ गर्म, इतना गर्म है, अगर आपका आपका जो आपका कोर है अगर इतना गर्म हो जाता है तो भी आपके जो इंसुलेटिंग ऑयल है उसके अंदर आपका किसी भी तरीके का स्पार्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। एवरी टाइम हम लोग यही चेक करते हैं, तो इसी को हम लोग क्रैकल टेस्ट बोलते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि आपका अगर आपकी अगर वाइंडिंग गर्म हो जाती है तो उसमें स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो क्रैकल टेस्ट इसीलिए किया जाता है। तीसरा टेस्ट है हमारा एसिडिटी टेस्ट। तो हम लोग ने इसके लिए जो हमारा एसिडिटी टेस्ट है उसके लिए कुछ अलग अलग वेरियस मेथड्स हैं जिससे हम लोग एसिडिटी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सिंपल है। इसमें क्या होता है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, पहले 50 मिलीलीटर तक आप लोग मिथाइलेटेड स्पिरिट, ठीक है, स्पिरिट ले रहे हैं जो आपका, जिसमें आपका मिथाइल आपका अंदर मिथाइलेटेड स्पिरिट ले रहे हैं, ठीक है, सिंपल। फिर उसमें क्या करते हैं आप लोग, एड सम ड्रॉप ऑफ फिनोल्फथेलिन की कुछ ड्रॉप डालते हैं और ये जो हमारा KOH सॉल्यूशन है उसे हम लोग लेते हैं 0.01 इन बैरेट में, एक बैरेट में लेते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एड दिस सॉल्यूशन इन द फ्लास्क ड्रॉप बाय ड्रॉप अंटिल द स्पिरिट गेट न्यूट्रलाइज। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका कलर है स्पिरिट का कलर है वो चेंज हो जाता है, न्यूट्रलाइज अगर आपका स्पिरिट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, स्पिरिट का जो कलर है वो आपका चेंज हो जाता है। स्पिरिट का कलर आपका लाइट ब्लू कलर का होता है, हल्का सा लाइट ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, पहले फिनोल्फथेलिन डालना है, ठीक है, उसके बाद जो ये सॉल्यूशन है उसकी 0.01 N तक आपको बैरेट में लेनी है, सॉल्यूशन लेना है, और ये जो सॉल्यूशन आपने लिया उसमें से हमें फ्लास्क में ड्रॉप हमें डालना है ऑयल में, ठीक है, और हमें चेक करना है कि ये जो स्पिरिट है आपका न्यूट्रलाइज हुआ कि नहीं हुआ, तब तक हमें वो ड्रॉप में डालते रहना है, ठीक है।
न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या है, चेंज स्टेट का जो कलर है वो आपका चेंज हो जाता है। देन टेक द रीडिंग ऑफ बैरेट, हमें बैरेट का रीडिंग ले लेना है। देन उसके बाद क्या करना है, हमें 10 ml लेना है ऑयल जो हमें टेस्टिंग करना है, और उसे हमें फ्लास्क में डालना है और उसे हमें मिक्स करना है स्पिरिट के साथ, ठीक है। देन उसके बाद ऐड करने के बाद हमें वापस से मिक्स करने के बाद हमें वापस से KOH सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्लास्क में ऐड करना है, ठीक है। और देन उसके बाद हमें रीडिंग लेना है बैरेट का, जब तक हमारा सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता तब तक। तो ये जो दो डिफरेंट रीडिंग ली है हमने, कौन से दो डिफरेंट रीडिंग, पहले तो हमने जब बिना ऑयल के सैंपल को लिए हमने क्या किया, जो हमें स्पिरिट था उसको न्यूट्रलाइज किया, तो तब तक जो रीडिंग आई वो हमने ली। देन ऑयल डालने के बाद हमें स्पिरिट को न्यूट्रलाइज किया तो उसका जो रीडिंग आया, तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो ये जो डिफरेंस आया वो क्या कहता है, वो गिव्स द क्वांटिटी ऑफ KOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द ऑयल, समझ गए। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, ऐसा चेक करते हैं कि हमारा कितना हमें KOH सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, KOH सॉल्यूशन चाहिए ताकि हम लोग न्यूट्रलाइज कर सके एसिड को। अच्छा, ये KOH कौन सा हो सकता है हमारा, जो हमने पहले पढ़ा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये KOH सॉल्यूशन है, तो वो कितना रिक्वायर्ड है हमें, तो उसको जांच करने के लिए हमें चाहिए, तो हम लोग एसिडिटी टेस्ट करते हैं उसके ऊपर ताकि हमें पता चले हमें कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, ओके। तो एसिडिटी ऑफ ऑयल होती है, उसका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, 0.664 इंटू क्वांटिटी ऑफ KOH यूज्ड इन ml, ओके। एसिडिटी जो है फाउंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला गिव द क्वांटिटी ऑफ KOH रिक्वायर्ड इन मिलीग्राम टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ ऑयल, ओके। ये जो वैल्यू है आपकी शुड बी 0.05 मिलीग्राम KOH पर ग्राम होती है, सिंपल है। एसिडिटी टेस्ट क्यों किया जाता है, ताकि हमें पता चले हमें कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, ओके। इसलिए हम लोग एसिडिटी टेस्ट करते हैं, ओके। नाउ पोटेश है हमारा स्लर्ज है, तो इसमें क्या होता है, इंप्योरिटीज कुछ ऐड हो जाती है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इन द इंसुलेटिंग ऑयल व्हेन इट इज बीइंग यूज्ड, ठीक है। तो ये जो इंप्योरिटीज है वो इन द फॉर्म ऑफ स्लर्ज हो गया आपका, मर्ड हो गया, तो इस फॉर्म में आपका क्या है, आपका बैंड जाती है मटेरियल आपका टैंक में, आपकी स्लर्ज के कारण स्लर्ज के रूप में आपका जो इंप्योरिटीज हो बैठ जाती है टैंक में नीचे। तो इसमें क्या है, फाइबर्स कॉल बी फाउंड बाय विजुअल इंस्पेक्शन, ठीक है, लेकिन केमिकल टेस्ट इज डन टू फाइंड द अमाउंट ऑफ अदर सॉलिड इंप्योरिटीज, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट ऑयल जो है आपका इज मेड थिन बाय द एडिंग एन हेप्टेंस ऑफ 10 लीटर, आपको ऑयल को पहले थीन करना पड़ेगा। उसमें क्या करते हैं आप लोग, एन हेप्टेन नाम का एक सॉल्यूशन आता है वो आपको उसमें मिलाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देन दिस ऑयल इज पास थ्रू द फिल्टर पेपर, उसके बाद हम लोग उसे फिल्टर पेपर से पास करते हैं, तो जो सॉलिड इम्प्योरिटीज है वो रिमेन रह जाती है फिल्टर पेपर पे, ठीक है, यानी यहाँ पे सॉलिड इम्प्योरिटीज आपकी दूर हो गई, रिमूव हो गई, तो बाकी की जो उसके अलावा की जो आपकी इम्प्योरिटीज है वो आपके ऑयल में लेफ्ट रह जाती है, ठीक है। तो उसे आप लोग क्या करते हैं, टोटली रिमूव करने के लिए उसमें क्या करते हैं, एन लेप्टेंस, पहले एल एन हेप्टेंस ऐड किया, अब एन लेप्टेंस नाम का एक सॉल्यूशन आता है उसे आप लोग ऐड करेंगे, फिर वापस से फिल्टर पेपर पे उसे फिल्टर करेंगे, तो जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका तीन पार्ट ऑक्सिलिन और एक पार्ट आपका एसीटोन जो आपका होता है वो आपके इम्प्योरिटीज में पॉड हो जाता है, यानी इम्प्योरिटीज को दूर कर देता है, ठीक है। तो जो आपके इसमें क्या होता है आपका, कि कुछ आपका इम्प्योरिटीज का पार्ट होता है वो ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है आपका इम्प्योरिटी का वो आपका ब्लू स्लज, यानी ब्लू कलर का हो जाता है, इसी को हम लोग स्लज कहते हैं। तो ये जो पार्ट है आप लोग सेपरेट कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग सब्सटेंस है आपका फिल्टर पेपर पे उसे हम लोग क्रूसिबल या फिर फर्नेस में हम लोग इसे हीट करके उसे दूर कर सकते हैं,
सिंपल ओके। और जो इवेपोरेटेड होने के बाद भी अगर कुछ आपका बच जाता है, कुछ आपका स्लज बच जाता है, कुछ आपका इम्प्योरिटीज बच जाती है, तो वो आपका क्या होता है, रस्ट होता है। तो जो आपका मैक्सिमम पोर्शन है, मैक्सिमम प्रोपोर्शन है स्लज का, वो आपका कितना होना चाहिए, 1.2% बाय द वेट, इतना तक आप लोग उसे अलाउ कर सकते हैं। इसके अबव अगर आपका स्लज गया तो आप इसे अलाउ नहीं कर सकते, देन उसे हम लोग रिमूव करना जरूरी होता है। ओके, नाउ पांचवा टेस्ट है हमारा फ्लैश पॉइंट। ओके, तो ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं जब आपका इंसुलेटिंग पॉइंट आपका हायर टेम्परेचर अचीव कर लेता है, ड्यू टू आपके इंटरनल फॉल्ट या फिर आपका कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो उसके कारण, ठीक है। तो उसके कारण क्या है कि आपका हाई टेम्परेचर अचीव कर लेता है और एक बहुत ही गंदी स्मेल, यानी आप बोल सकते हैं कि असह्य, आप सह नहीं कर सकते, इतनी गंदी ऑर्डर उसमें से एमिट होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, फ्लैश पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये टेस्ट के लिए हम लोग ऑयल का सैंपल लेते हैं, ठीक है, क्लोज वेसल में, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, उससे थर्मोमीटर प्लेस वेसल में हम लोग प्लेस करते हैं और वेसल को हम लोग हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेम, सो द टेम्परेचर ऑफ ऑयल इंक्रीज 1/1 degree। ओके, तो हमें ये जो वेपर अगर हमें बाहर आ रही है, जो वेपर वेसल में से, तो वो हमें डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइटेड फ्लेम इज प्लेस नियर द ओपनिंग ऑफ द पाउच, ठीक है। तो ये अगर फ्लेम अगर आपकी लाइटली ब्राइटली सॉरी लाइट ब्राइटली है, तो आप अंडरस्टैंड करते हैं कि आपका वेपर जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है और टेम्परेचर उस टाइम पे हम लोग उसे नोट करते हैं, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर है आपका जिसपे आपका फ्लेम, जिसपे आपकी वेपर बाहर आई, तो वो टेम्परेचर को हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। ओके, और फ्लैश पॉइंट आपके गुड इंसुलेटिंग ऑयल का कितना होना चाहिए, मिनिमम आपका 140 डिग्री सेंटीग्रेड तो होना ही चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे कुछ अदर टेस्ट हैं, जैसे हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट है, विस्कोसिटी टेस्ट है, पावर पॉइंट टेस्ट है, पावर फैक्टर और रेजिस्टिविटी टेस्ट है। तो इसमें क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए इंसुलेटिंग ऑयल की, वो होनी चाहिए बिटवीन 0.85 एंड 0.88 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि जो वाटर है ऑयल के अंदर वो हमारा बॉटम पे टैंक के बॉटम में सेटल हो सके। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है डिक्रीज होनी चाहिए बाय द 0.00615 पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर राइज होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज होनी चाहिए। ओके, ताकि क्या हो सके, वाटर के जो पार्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं वाटर के, वो हमारे ऑयल टैंक के निचले बॉटम वाले हिस्से में इकट्ठा हो सके। ओके, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू अपोज द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, बहने की क्षमता, जिसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं, जितनी कम विस्कोसिटी होती है उतना ही बेटर फ्लो कर पाता है वाटर, कोई भी लिक्विड। ओके, तो विस्कोसिटी जो होती है इंसुलेटिंग ऑयल की शुड बी लो, लो होनी चाहिए, क्यों, बिकॉज इट इज ऑल्सो यूज एज अ कूलिंग मीडियम एंड फॉर द इफेक्टिव कूलिंग द ऑयल शुड बी फ्लो इजीली, इसलिए विस्कोसिटी जो होती है ऑयल की वो कम होनी चाहिए। ओके, मोर ओवर इसके अलावा ऑयल शुड बी फ्लो क्विकली टू एक्सटिंग्विश द आर्क इन द सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर की जो आर्क है उसे बुझाने के लिए भी हमारे ऑयल को है बहुत ही क्विकली फ्लो करना पड़ता है, इसलिए इसकी जो विस्कोसिटी है वो हमारी कम होनी चाहिए। लेकिन विस्कोसिटी अगर ज्यादा होती है तो हमारी स्पीड जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ओके, तो ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो 27 सेंटी स्टॉक होनी चाहिए एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, अगर ऐसा है, अगर ये हमारा अचीव है, कर देता है, तो हमारा जो इंसुलेटिंग ऑयल है वो प्रॉपर अच्छी कंडीशन में है, यानी गुड इंसुलेटिंग ऑयल है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट है हमारा फोर पॉइंट। तो ये फोर पॉइंट क्या है, आपका मिनिमम टेम्परेचर है जहाँ पे आपका ऑयल जो है फ्लो करना स्टार्ट होता है, ठीक है। This properly becomes important when the transformer and circuit breaker have worked in the cold season. Cold season में भी हमारा transformer work करता है और circuit breaker हमारा work करता है, क्यों, क्योंकि उसका pour point है इतना minimum होता है जहाँ पे आपका oil आपका flow कर सके ताकि cooling properly हो सके। ओके, तो Indian standard के अनुसार, Indian standard के अनुसार pour point हमारा
पहले कितना था? -30 डिग्री सेंटीग्रेड। इंडियन स्टैंडर्ड कौन सा? 335, 1963 में जो आया था उसके अकॉर्डिंग हमारा -30 डिग्री था पहले, लेकिन उसके उसमें अमेंडमेंट किया गया 1965 में, और उसे कितना रखा गया, जो टेम्परेचर था उसे -20 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट है हमारा पावर फैक्टर एंड रेजिस्टिविटी। तो पावर फैक्टर एंड रेजिस्टिविटी में क्या है, पावर फैक्टर एंड रेजिस्टिविटी जो है इंसुलेटिंग ऑयल का, वो शो करती है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर को, पोलर कंपाउंड को, सोल्यूबल इंप्योरिटीज कितनी है आपकी, और कंडक्टिंग इंप्योरिटीज कितनी है आपकी, जिसके कारण आपकी इंसुलेटिंग ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो पावर फ्रीक्वेंसी पे यानी 50 हर्ट्ज पे, पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, यहाँ पे पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब है जहाँ जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका पावर डिलीवर हो रहा है, ठीक है, यानी 50 हर्ट्ज पे, 50 हर्ट्ज पे कितना फैक्टर, जो ये फैक्टर है हमारे पावर फैक्टर वो कितना होना चाहिए, शुड बी 0.001 और या फिर इससे कम होना चाहिए। और जो रजिस्टिविटी है हमारी वो कितनी होनी चाहिए, 15 से 300 × 10^12 है, ये 10^12 नहीं है, ये 10^12 ओम सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो इतनी रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। नाउ सारे टेस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब फिल्ट्रेशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो इसमें ऑयल को फिल्ट्रेशन करने के लिए जो फिल्ट्रेशन प्लांट होता है तो वो मोबाइल ऑयल फिल्ट्रेशन प्लांट यूज होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसकी मैं आपको फिगर बता देता हूँ। तो इस तरीके का कुछ आपका प्लांट होता है, देखिए, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर है आपका, स्विच गियर ऑयल है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिल्टर करते हैं, और ये हमारा साइट पे ही होता है, यानी हमारा जो जहाँ पे जनरेशन हो रहा है वहीं पे हमारा मोबाइल फिल्ट्रेशन प्लांट, मोबाइल ऑयल फिल्ट्रेशन प्लांट होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, ऑयल जो है आपका, जो पुराना ऑयल है या फिर आप कह सकते हैं डर्टी ऑयल है, वो हमारा बार बार रिसर्कुलेट होता है, अगेन एंड अगेन फॉर आवर एक साथ, ताकि क्या है, इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो आपके आपने डिसाइड है यानी 40 किलो वोल्ट पर mm फॉर 1 मिनट, तो वो हमारा अचीव हो सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये प्लांट में हमारे जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं ऑयल में, वो रिमूव किए जाते हैं बाय द स्ट्रेन फिल्टर, ठीक है। स्ट्रेन फिल्टर से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, आपका डर्टी ऑयल यहाँ से इन हुआ, यहाँ से आपका डर्टी ऑयल आया, ठीक है। डर्टी ऑयल आने के बाद यहाँ पे हमारा ये जो डर्टी ऑयल पंप है, यहाँ से इसको पंप मिलेगा, पंपिंग करेगा, ताकि ये क्या हो सके, हीटर में जा सके। हीटर में जाने के बाद क्या होगा, हीट करेगा उससे, ठीक है, हीट हीट होगी, हीट के बाद आपका कहाँ जाएगा, हीट होने के बाद आपका ये जो फिल्टर है आपका, देखिए ये जो फिल्टर है आपका, ये आपका स्ट्रेनर फिल्टर है, ठीक है। स्ट्रेनर फिल्टर क्या करेगा, आपका सॉलिड जो पार्टिकल्स है, सॉलिड जो इम्प्योरिटीज है ऑयल में, वो रिमूव करेगा। देन वैक्यूम पंप थ्रू, वैक्यूम पंप जो है आपका, वैक्यूम पंप है, ठीक है, वैक्यूम पंप क्या करेगा, वैक्यूम पंप आपका करेगा मॉइस्चर, सॉरी, जो आपका वैक्यूम चैम्बर है उसके अंदर आपका वैक्यूम प्रोड्यूस करने का काम वैक्यूम पंप करेगा। जो फिल्टर हुआ आपका, जिसमें से आपने सॉलिड पार्टिकल्स आपने दूर कर दिए, तो उसके बाद वो फिल्टर से ऑयल आपका वैक्यूम चैम्बर में जाएगा। तो वैक्यूम चैम्बर में क्या होगा, मॉइस्चर, वाटर, गैस और कोई भी अदर एयर वो आपकी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। देन ये जो क्लीन ऑयल पंप है, वो आपका जो ऑयल आपका क्लीन हो चुका है, वो आपका आउट करेगा, बाहर निकालेगा। यहाँ पे जो आपका प्रेशर गेज यूज हो रहा है, ठीक है, देखिए ये जो प्रेशर गेज है आपका, जो यहाँ पे प्रेशर गेज यूज हुआ, तो प्रेशर गेज आपका क्या इंडिकेट करता है, ऑयल में कितना प्रेशर है। टेम्परेचर गेज आपका क्या शो करता है, कि आपका जो भी टेम्परेचर है हीटर का वो कितना है, हीटर का टेम्परेचर आपका कितना है आउट में, वो आपका मेजर आपका टेम्परेचर गेज से होगा। वैक्यूम गेज का काम क्या है, वैक्यूम गेज का काम आपका ये है कि आपका कितना वैक्यूम चैम्बर के अंदर, कितना वैक्यूम है, तो वो काम किसका है आपका, वैक्यूम गेज का है। और जो वाल्व होते हैं, यानी देखिए ये जो वाल्व है, जैसे सैम्पलिंग वाल्व है आपका, ये भी एक तरीके का वाल्व है, ठीक है, ये प्रेशर आउट, ये भी आपका एक वाल्व है, एक तरीके का वाल्व है, ठीक है, ये आपका ये एयर एडमिटिंग वाल्व है, ये स्लज आपका ड्रेन है, यहाँ पे वेसल वेंट है, तो ये जो आपके क्रॉस में आपको बताया, ये आपके एक तरीके वाल्व है। तो वाल्व का काम क्या है,
ऑयल को कंट्रोल करना, ऑयल के फ्लो को कंट्रोल करना, सिंपल। ठीक है, तो इसका वर्किंग कैसे होता है, तो इसमें क्या होता है कि ऑयल जो होता है वो आपका पास होता है हीटर से बाय द डर्टी पंप। ठीक है, तो ऑयल अगर आपका हीट होता है तो टेम्परेचर जो होता है ऑयल का वो कहाँ तक हम लोग ले जाते हैं उसे, 80 डिग्री तक। हीटर में आने के बाद वो 80 डिग्री का हो जाता है, ऑयल आपका हॉट हो जाता है। और ऑयल को हम जो ये हॉट ऑयल हुआ उसे हम लोग सेंड करते हैं स्ट्रेनर फिल्टर में, या फिल्टर में हम लोग उसे सेंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो फिल्टर है आपका वो पेपर का बना होता है, यानी उसमें हनीकॉम्ब कैसे होता है, आपके षटकोण होते हैं, षटकोण हनीकॉम्ब आपके षटकोण आकार के होते हैं। तो उस फिल्टर में हम लोग फिल्टर पेपर हम लोग लगाते हैं जो हनीकॉम्ब के तरीके से प्लांट किए गए थे। ठीक है, तो फिल्टर से क्या होता है, फिल्टर से पास होता है नीचे से लेके ऊपर, नीचे से लेके ऊपर तक। ठीक है, ताकि इसमें क्या होता है सर्ज आपका दूर हो जाता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ स्लग ड्रेन, यानी नीचे से ऊपर आप कंप्रेसर थ्रू आप इसे ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जो आपका स्लज है यानी जो आपका सॉलिड इंप्योरिटीज है वो आपकी दूर हो जाती है, स्लज ड्रेन वैसे आप उसे स्लज को अलग कर सकते हैं। ओके, देन फिल्टर ऑयल है उसे हम लोग वैक्यूम चैम्बर में देते हैं, यहाँ से आपका बाल थ्रू आपका वैक्यूम चैम्बर में जाता है। तो वैक्यूम चैम्बर क्या है, हाई वैक्यूम प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूम पंप। ठीक है, वैक्यूम पंप से यहाँ पे हाई वैक्यूम प्रोड्यूस होगा, तो फिल्टर से जो ऑयल आपका गया तो उसमें कुछ वाटर पार्टिकल्स होंगे, कुछ आपका कुछ भी आपका ऑयल भी हो सकता है, वाटर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, आपका गैस हो सकती है, मॉइस्चर हो सकता है। ठीक है, तो उसे दूर हम लोग वैक्यूम चैम्बर में करते हैं, वैक्यूम चैम्बर में वो सब दूर हो जाता है। देन जो हमारा सैंपल है, जो हमारा सैंपल वैक्यूम चैम्बर से बाहर आता है, तो ये जो सैंपलिंग वाल्व है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को लेते हैं बाहर और उसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए यानी बीडीवी टेस्ट के लिए हम लोग इसे कलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर आपकी कम आती है तो ऑयल जो है वापस इसे रीसर्कुलेट किया जाता है, फिर उसे अगेन यही प्रोसेस वापस रिपीट की जाती है और वापस से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है। ठीक है, जो प्रेशर है आपका ऑयल का वो मेजर किया जाता है आपके प्रेशर गेज थ्रू, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। टेम्परेचर जो है वो आपका टेम्परेचर गेज से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसे फिल्टर करते हैं। जो हमने फिल्टर प्लांट यहाँ पे देखा, जो हमारा ये जो फिल्टर हमने ये यहाँ पे जो फिल्टर यूज किया, यहाँ पे हम लोग ऑयल प्योरीफायर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर की जगह हम लोग ऑयल प्योरीफायर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें दो मेथड यूज होती है फिल्टर को, ऑयल को फिल्टर करने के लिए, तो देख लेते हैं वो भी। जैसे आपकी होती है सेंट्रीफ्यूगल ऑयल प्योरीफायर और फिल्टर यूजिंग एक्टिवेटेड अर्थ मीडिया। तो ये देखिए, हमने जो यहाँ पे फिल्टर पार्ट यूज किया था उसकी जगह हम लोग सेंट्रीफ्यूगल ऑयल प्योरीफायर भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका, देखिए पहले तो हम लोग देख लेते हैं ये जो फिगर है आपकी, वो सेंट्रीफ्यूगल ऑयल प्योरीफायर की फिगर है। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट इम्प्योरिटीज हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से दूर करते हैं, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी से और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसे डिफरेंट इम्प्योरिटीज उसको हम लोग दूर करते हैं। तो ये जो डिवाइस होता है, देयर इज वन सेंट्रल वर्टिकल शाफ्ट, एक वर्टिकल शाफ्ट होती है और डिफरेंट कॉनिकल शेप होते हैं, वेंट्स होते हैं जो हमारे इस शाफ्ट पे माउंट किए होते हैं। देखिए ये आपका शाफ्ट है। ठीक है, ये आपका एक तरीके का शाफ्ट है। ओके, तो और इस पे हमने क्या किया है, कॉनिकल शेप का कुछ हमने यहाँ पे वेंट्स लगाई है। ठीक है, और ये जो शाफ्ट है वो आपके मोटर के साथ देखिए आपका ये मोटर ड्रिवन स्पिंडल है, इसके साथ कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या करते हैं, मोटर को हम लोग रोटेट करते हैं 6 to 8,000 आरपीएम तक। ओके, तो ये जो वेंस है वो भी हमारी रोटेट होती है गोल गोल शाफ्ट के साथ। तो जो आपका इम्प्योर ऑयल्स में आपकी जो भी आपकी सॉलिड इम्प्योरिटीज होती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या है, वो यहाँ पे नीचे की ओर वहाँ पे जमा हो जाती है। ठीक है, तो नीचे की ओर अगर आपकी जमा हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है कि जो आपका सॉलिड इम्प्योरिटीज को आपकी अलग हो कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसे इम्प्योरिटीज को बाहर निकालते हैं, इसी तरीके से हम लोग उसे फिल्टर कर सकते हैं।
सेंट्रीफ्यूगल ऑयल प्योरीफायर थ्रू। ओके नाउ सेकंड हमारा फिल्ट्रेशन पॉइंट है जो हमारा यूजिंग एक्टिवेटेड अर्थ मीडिया। ये क्या होता है, इन दिस प्रोसेस ऑयल टू बी प्योरीफाइड इज टेकन इनटू द चैम्बर एंड मिक्स विद द स्पेशली ट्रीटेड पाउडर। वो पाउडर कौन सा होता है, उसमें क्या होता है, एक्टिवेटेड एल्यूमिनिया ट्रेड नेम मेटासिल। ठीक है, एक्टिवेटेड एल्यूमिनेट होता है उसके अंदर, जिसे हम लोग मेटासिल कहते हैं। ये मिक्सर को हम क्या कर सकते हैं, ये मिक्सर को हम पास करते हैं थ्रू द मेटल फिल्टर। ओके ये जो फिल्टर है, दिस फिल्टर आर इन द फॉर्म ऑफ मेटल रिंग्स थ्रू विच ऑयल कैन पास थ्रू, बट जो आपका मेसिल पाउडर है वो यहाँ पे पास नहीं हो पाता। ठीक है, तो आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है आपका वो क्या है, ये जो आपका मेटासिल पाउडर है वो आपका एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक्टिवेटेड अर्थ मटेरियल से भी हम लोग यहाँ पे जो भी आपका मॉइस्चर है वो भी हम लोग यहाँ से दूर कर सकते हैं, और बाकी के जो अदर सॉलिड आपके इम्प्योरिटीज है वो फिल्टर में आपके रिमेन रहती है, लेकिन आपके ऑयल ड्रिपिंग जो है वो ऑयल की जो ड्रिपिंग होती है, ड्रॉपिंग होती है, वो क्लीन होती है और मॉइस्चर और इम्प्योरिटीज से फ्री होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक्टिवेटेड अर्थ मीडिया से हम लोग फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ ये ट्रांसफॉर्मर ऑयल वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, और इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है वो भी हमारा कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके और जो बाकी का टॉपिक हमारा जो बच गया है ट्रबल शूटिंग वाला, उसकी पीडीएफ की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ।